स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में हम आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ाए, शिक्षा प्रद कहानी आप लोगों ने पढ़ा, द रैट ट्रैप। इस कहानी को आप लोगों ने समझा, इससे कुछ सीख भी मिली और कुछ क्वेश्चन आंसर का भी वर्क कराए हैं और आगे भी कुछ और क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड द क्राफ्टर शो द थर्ड कॉर्नर टू द पेडलर। पेडलर मींस हुआ यहाँ रैट ट्रैप सेलर, जो चूहे दानी बेचने वाला था और पैदल चल चल कर घूम घूम कर बेचता था, उन्हीं को पैदल कहा गया है। क्राफ्टर वह किसान जिसका घर सड़क के किनारे था और अकेले रह रहे थे और जिनके घर पर एक रात पेडलर यानी रैट ट्रैप सेलर ठहरे थे। तो कह रहा है, हम लोगों ने कहानी में पढ़ा कि जब वहाँ पर ठहरे उस क्राफ्टर के यहाँ, तो क्राफ्टर जो है लेदर बैग में रखा 30 कोरोनर नोट्स उनको दिखाया, फिर उसमें रख दिया। क्राफ्टर ने ऐसा क्यों किया? उस अनजान आदमी को रैट ट्रैप सेलर को पैसा दिखाया फिर रख दिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, द क्राफ्टर वाज वेरी काइंड, द क्राफ्टर वाज वेरी काइंड एंड इनोसेंट। ही हैड नो डाउट दैट द पेडलर वाज अ थिफ, So the 30 kroner, so the 30 kroner to the peddler। अब इसका मीनिंग समझेंगे। The crafter was very kind and innocent। काइंड मींस हुआ दयालु, इनोसेंट मतलब हुआ भोला भाला। वह किसान जो था, वह क्राफ्टर जो था, बहुत ही दयालु और भोला भाला आदमी था। ही हैड नो डाउट, डाउट में संदेह, उनको कोई संदेह नहीं था दैट द पेडलर वाज अ थीफ, वह पेडलर चूहेदानी बेचने वाला चोर था, इस प्रकार का संदेह उनको नहीं था। सो ही सोल्ड द 30 कोरोना टू द पेडलर, यही कारण था, वो आदमी काफी भोला भाला था, इसलिए उन्होंने वो 30 कोरोना नोट्स जो है पेडलर को दिखा दिया। हमको लगता है आप लोग कहानी तो सुने ही हैं और इस आंसर को समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Did the peddler respect the confidence respect the confidence the confidence reposed in him
बाय द क्राफ्टर। Erlan did not respect the confidence reposed in him by the corruptor. The corruptor was kind and innocent. The corruptor was kind and innocent. He had no doubt on the peddler. He had no doubt on the peddler. He took out the money. He took out the money in front of him. In front of him, and put it back. Put it back. But the peddler could not control. But the peddler. Could not control his greed. He stole away the money. He stole away the money. He was happy to do so. He was happy to do so. अब इसका मीनिंग समझते हैं। Did the peddler respect the confidence reposed in him by the corruptor? कर उस किसान ने उस corruptor ने peddler पर यानी चूहे दानी बेचने वाले उस आदमी पर जो विश्वास दिखलाया क्या उस विश्वास का उस चूहे दानी बेचने वाले व्यक्ति ने सम्मान किया? यानी करप्टर भला भला आदमी था, उन्होंने पेडलर को एक अच्छा इंसान समझा, यही कारण था कि अपना पैसा भी बिखर दिया। तो क्या पेडलर ने करप्टर के विश्वास का सम्मान किया? सीधी सी बात है कि नहीं। करप्टर ने उन पर विश्वास किया लेकिन पेडलर ने उनके साथ विश्वासघात किया। करप्टर जो है भोला भाला था, उन्होंने अपना पैसा पेडलर को दिखा दिया लेकिन पेडलर भोला भाला नहीं निकला और क्या किया, उसका पैसा दूसरे दिन चुरा लिया। इस प्रकार करप्टर ने पेडलर पर जो कॉन्फिडेंस दिखाया, अपना भरोसा दिखाया, उसका सम्मान इन्होंने नहीं किया। सीधी सी इसका जवाब क्या है? नो आंसर हो गया। एक सेंटेंस में नो द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज इन हिम बाय द क्राफ्टर, आंसर आपका हो गया। लेकिन इसको और जरा सा बड़ा हमने इसलिए किया, इस क्वेश्चन को अगर आंसर दिया जाए 30-40 वर्ड्स में तो फिर आप लोग कैसे लिख पाएंगे, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसा और हम बड़ा किए और कारण को स्पष्ट करते हैं। द करप्टर वाज काइंड एंड इनोसेंट। करप्टर वह किसान जो था दयालु था और भोला भाला था। ही हैड नो डाउट ऑन द पेडलर, उनको पेडलर पर चूहे दानी बेचने वाले आदमी पर ठीक है कोई
धोखा नहीं था, डाउट में संदेह, कोई संदेह नहीं था। ही टुक आउट द मनी इन फ्रंट ऑफ हिम, उन्होंने उनके सामने में पैसा निकाला, कहाँ से, लेदर बैग में जो रखा था, खिड़की पर टंगा हुआ था, एंड पुट इट बैक, फिर उसको वापस रख दिया, कहाँ, उसी झोले में। बट द पेडलर कुड नॉट कंट्रोल हिज ग्रीड, ग्रीड मींस लालच, लेकिन पेडलर ने जब वह पैसा देखा, वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं कर पाया, कंट्रोल में नियंत्रण, ही स्टोल अवे द मनी, वह उनका पैसा चुरा लिया। ही वाज हैप्पी टू डू सो, चोरी करने के बाद वह खुश हो गया, पेडलर बड़ा खुश हो गया था पैसा चुराने के बाद। कहानी में भी हम लोग पढ़े, और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो उस कहानी को फिर से सुन लेंगे, बात समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What made the peddler? What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? The peddler stole away the 30 kroner of the crafter. He was very happy with the money. He left the main road so that he could not be caught. He went to the forest. He began to wonder. In the forest, he got lost in the forest. Then he thought that he had fallen into a rat trap. Meaning, समझिए, what made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? Indeed means सचमुच में, वास्तव में। कर है किस बात को लेकर चूहे दानी बेचने वाले ने महसूस किया या सोचा कि वह सचमुच में चूहे दाने में फंस गया है। देखिए, पेडलर जो था वो चूहे दाने बेचा करता था, किस समय उसको आभास हुआ वह खुद से चूहे दाने में फंस गया है, इस प्रकार का आभास कब हुआ? देखिए, द पेडलर स्टोल अवे द 30 क्रोनर ऑफ द क्राफ्टर, पेडलर ने क्राफ्टर का 30 क्रोनर चुरा लिया था। He was very happy with the money. उसे चुराए गए पैसे को लेकर वह बेहद खुश हो गया। He left the main road so that he could not be caught. वह मेन रोड को छोड़ दिया
ताकि वह पकड़ा नहीं जा सके। चोरी करने के बाद भय हो गया कि क्रॉप्टर खोजेगा, जब उसको पता चलेगा मेन रोड से अगर जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए मेन रोड को छोड़ दिया। विगैन टू द फॉरेस्ट, वह जंगल की ओर चला गया। ही विगैन टू वांडर इन द फॉरेस्ट, जंगल बड़ा था, घना था, वह जंगल में भटकने लगा। ही गॉट लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में खो गया था, रास्ता भटक गया, जंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। Then he thought that he had fallen into a rat trap. उस समय उनको एहसास हुआ कि वह चूहेदानी में फंस गया, जंगल में घूम रहा था, बाहर निकलने का रास्ता मिल ही नहीं रहा था। उस समय आभास हुआ कि हम भी चूहेदानी में फंस गए हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गलत काम करने के बाद इसी प्रकार की स्थिति सबों की होती है, जो भी गलत काम करता है वह भी ऐसा महसूस करने लगता है कि हम चूहेदानी में फंस गए हैं। कोई क्रिमिनल मर्डर करके भागता फिरता है, पुलिस उसके पीछे लग जाती है, उस समय उसको मन में होने लगता है अब हम चूहेदानी में फंस गए हैं, यानी अब हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। वह इधर उधर भटकता है, अंततः पकड़ा जाता है, मारा जाता है। इसलिए गलत काम से हम लोग बचते हैं, और हम शिक्षक बच्चों को कभी गलत काम करने की सीख नहीं देते हैं। किसी भी परिस्थिति में गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत स्टेप नहीं उठाना चाहिए, और अगर गलत स्टेप उठाते हैं तो हम लोगों की बेइज्जती उसी प्रकार हो जाएगी, हम लोग भी उसी प्रकार जो है इधर उधर भागते फिरेंगे, भयग्रस्त हो जाएंगे, और हम लोग भी सोचेंगे किसी भी समय हम लोग पकड़े जा सकते हैं, परेशानी में फंस सकते हैं, इस परेशानी से निकलना असंभव है, इस प्रकार का आभास होने लगता है। लगता है आप लोग भली भांति सब बात समझ रहे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did the Iron Master? Why did the Iron Master speak kindly to the peddler and invite him home? The Iron Master mistook the peddler he took him They took him as a familiar one, as a familiar one. So he spoke to him kindly and invited him home to celebrate Christmas Eve. अब इसको देखा जाए, Why did the Iron Master, Iron Master मतलब हो गया मिल मालिक, लोहे का जो कारखाना था उसका जो मालिक था आयरन मास्टर, स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। हम लोगों ने कहानी में पढ़ा किस प्रकार जंगल में खो जाने के बाद, रास्ता भटक जाने के बाद, देर शाम
पेडलर काफ़ी थक गया, जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय लोहा पीटने की आवाज़ आती है, वो समझ गया बगल में कोई लोहे का कारखाना है। वह जो है आवाज़ सुनते सुनते वहाँ पहुँचा, देखा कुछ बलाय के समेत लोहार लोग जो है काम कर रहे थे। वो लोहे का कारखाना था, वहाँ आग की भट्टी के पास वह बैठ गया, लेट गया उस जगह, क्योंकि जाड़े का मौसम था, बढ़िया कपड़ा भी नहीं था, ठंड से कांप रहा था, थक गया था, भूखा प्यासा था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद वहाँ पर मिल मालिक पहुँचे, आयरन मास्टर, बीच बीच में देखने के लिए आते थे किस प्रकार काम हो रहा है वहाँ पर। अब देखे देर शाम की बात थी, अंधेरा था। आयरन मास्टर ने जब पेडलर को देखा, उस अंधेरे में उनको धोखा हो गया। ठीक, उन्होंने उनको एक परिचित समझ बैठा। ऐसा कभी कभी होता है, हम लोगों को भी धोखा हो जाता है। किसी आदमी को देखते हैं, वो आदमी अनजान है, लेकिन धोखा हो जाता है, परिचित जैसा लगने लगता है। ठीक है, कह रहा है कि आयरन मास्टर ने तो पेडलर से बहुत प्यार से बात किया और अपने घर आमंत्रित किया, ऐसा क्यों? द आयरन मास्टर मिस्टूक द पेडलर। आयरन मास्टर ने उस पेडलर को गलत समझ लिया। क्या समझ लिया? ही टूक हिम एज ए फैमिलियर वन, उनको एक परिचित व्यक्ति समझ लिया। अरे ये तो वही है, ये तो सेना में था, इसका मतलब सेना का नौकरी छोड़ दिया, परिचित जैसा लगने लगा। सो ही स्पोक टू हिम काइंडली, इसलिए उन्होंने उसे जो है बड़ा दया भाव से बात किया, प्यार से बात किया, एंड इन्वाइटेड हिम होम टू सेलिब्रेट क्रिसमस ईव, और अपना घर आमंत्रित किया इस मौके पर। क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव में क्या था, क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस का मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो 24 दिसंबर का जो शाम हुआ उसको कहा जाता है क्रिसमस ईव। यानी उनकी मुलाकात कब हुई थी, 23 दिसंबर को शाम में, दूसरे दिन क्रिसमस ईव था। मन में सोचा कि तो परिचित आदमी है, इसलिए उनको आमंत्रित करने लगा कि भाई चलिए मेरे यहाँ, कल हम लोग क्रिसमस ईव मनाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार आयरन मास्टर कन्फ्यूज हो गया, पेडलर को परिचित समझ बैठा और अपने घर को आमंत्रित करने लगे। और फिर जो है और कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेज जो वीडियो हम लोग भेज रहे हैं इसको सीरियसली ले रहे हैं और घर पर मन लगाकर पढ़ रहे हैं, और सलाह भी देंगे कि अभी जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस के आतंक से सभी लोग परेशान हैं, और होना भी चाहिए, बचाव ज़रूरी है। आप लोगों को चिंता नहीं करना है, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना पढ़ाई जारी रखें, और जैसे ही संस्थानों को खोलने की अनुमति मिल जाएगी सरकार की तरफ से, हम लोग जो है एक्स्ट्रा क्लासेज लेकर भी आप लोगों के सिलेबस को पूरा करेंगे। हम लोग हर हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों को बिल्कुल आश्वस्त रहना है, सिर्फ हम लोगों का कहा माने, घर पर जो है पढ़ाई अपना जारी रखें, और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो उसको हम लोगों से कॉन्टैक्ट करें, हम लोगों को सूचित करें। हम लोग आप लोगों को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं और तैयार रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।